हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपास किचन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे प्यारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग है गणेश चतुर्थी का। तो ये वीडियो थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए एडिटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि ज़्यादा वीडियो मतलब ज़्यादा मोबाइल यूज करने से ना बहुत हेडेक होती है बीच बीच में, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन बिल्कुल भी कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, वीडियो शूट भी नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा ही ऐसे किया है। और ये गणेश चतुर्थी का वीडियो है, तो मैंने कैसे पूजा किया है ये आप सब लोग देख लीजिए। ये सुबह का क्लिप है। तो गणेश चतुर्थी के सुबह सुबह मैं नहा धो के ये रेडी हो गई थी और गणेश भगवान को बिठाने के लिए तैयारी कर रही थी। मेरे पास तो ऐसे ही गणपति हैं, तो मैं बाहर से खरीद कर नहीं लाती हूँ बड़ा वाला गणपति, और यही गणपति को ही बिठाती हूँ मैं। और हर साल यही भगवान को ही बिठाना मेरे को अच्छा लगता है, फिर दूसरा खरीदो उनको विसर्जन कर दो, क्योंकि विसर्जन करने से ना बहुत ख़राब लगता है। तो मेरे को यही पसंद लगता है। तो ये देखिए, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, नहला धुला के पूरा रेडी कर दिया है गणपति बाबा को। और ऐसे ही मैंने वीडियो नहीं करूँगी सोच रही थी, और ऐसे ही मैंने वीडियो किया था, स्ट्रेट में नहीं किया था ऐसे जैसे करते हैं। तो ये ऐसे ही छोटा छोटा सर्च डालूँगी सोच के किया था, और फिर एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, तो यही सब को मैंने डाल दिया है। तो देखिए, ये सब तैयारी करने के बाद दिया भी लगा दिया है मैंने, कलश बिठा दिया है, और ये तिल का लड्डू मैंने रेडी किया है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ करने का मन था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि नीचे भी पूजा में जाने का था, अपार्टमेंट में भी वो लोगों ने मैसेज डाला था कि 9 बजे तक आ जाना नीचे बोल के। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का फ्राई कर दिया था, और ये मेरे पास काला तिल था, ज़्यादा ही काला तिल था, तो इसको मैंने पहले दिन ही धो के धूप में सुखा दिया था। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद देखिए, कढ़ाई में मैंने गुड़ डाल दी और गुड़ में हल्का सा पानी डाला और उसको अच्छे से बॉयल किया। और देखा मैंने कैसे पानी में चेक किया, जब तक वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए तब तक उसको बॉयल करना गुड़ को। और अभी देखिए, अच्छे से हो जाने के बाद मैंने उसमें धीरे धीरे करके सारा तिल को ऐड कर रही हूँ। आप इसमें व्हाइट तिल भी ले सकते हो, व्हाइट और ब्लैक दोनों को मिक्स कर भी सकते हो। मेरे पास व्हाइट तिल नहीं था तो मैं खाली ब्लैक में ही की हूँ। और ये थोड़ा सा फली डाला है मैंने, इसको भी हल्का फ्राई करके उसका छिलका निकाल दिया था। और अभी थोड़ा सा मेरे को और मतलब पानी पानी लग रहा था, इसीलिए मैंने और थोड़ा तिल डाल दिया। अभी मेरा सही हो गया है, तो इसको मैंने निकाल दिया और ठंडा करने के लिए थोड़ी सा टाइम छोड़ दिया था। और अभी उसको देखिए, छोटा छोटा करके मैं बॉल बना रही हूँ। देखिए कितना सुंदर हुआ है, एकदम इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये तिल का लड्डू बनाना, मेरे को कमेंट करके बताना। अभी मैं प्रसाद के लिए निकाल दूंगी। देखिए, ये पहले दिन बनाया था मैंने नारियल का लड्डू, और ये पंचामृत है और तिल का लड्डू, बस इतना ही मैंने उसी दिन भोग लगाया था और कुछ बना नहीं पाया। सोचा था तो बहुत लेकिन कर नहीं पाया। तो अभी देखिए, मैं वो नीचे ऊपर घर में पूजा ख़त्म करके फिर से नीचे आ गई, मैं और मुग्धा दोनों आ गए थे और नीचे पूजा शुरू हो गया था। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सब लोग भी कैसे किया पूजा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग में, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करना। ब्रह्मा
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और घर का पूजा भी थोड़ा बहुत सूट किया है मैंने, और तिल का लड्डू बनाया था क्योंकि तिल का लड्डू बोलते हैं गणपति भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया है प्रसाद में, ऐसे ही थोड़ा बहुत बना के पूजा कर लिया है। और नीचे का वीडियो भी आप सबको हमारा अपार्टमेंट का दिखाया, तो पूजा के जगह पे ऐसा ज़्यादा वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ही मैंने किया था। तो कैसा लगा आप सबको वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज पूजा था तो मैंने एक साड़ी पहन के रखी थी, देखिए। तो फिर और एक बार आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और गणेश भगवान तो सुखदाता है, विघ्नहर्ता है, तो ये साल पूरे साल आप सबका भगवान जीवन में सुख लाए, सबका विघ्नहरण करे। तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो रहती हूँ, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।